इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे यूपी बोर्ड के रिजल्ट के बारे में। कई बच्चे लेके कंफ्यूज में हैं मित्रों कि हमारा यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब तक में रिलीज हो जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग मित्रों जानते हैं, इस समय प्रैक्टिकल एग्जाम ही चल रहा है हमारे यूपी बोर्ड का। आखिर में ये प्रश्न हमारा करने का क्या तात्पर्य, यहाँ पर मित्रों आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, इंटर के छोटे विद्यार्थियों के प्रयोगात्मक परीक्षाएँ 17 से, यानी कि मित्रों जो बच्चे प्रैक्टिकल एग्जाम में छूट गए थे उनकी जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं वो 17 मई से चलेंगी, 17 मई से शुरू होंगी और 20 मई तक चलेगी, यानी कि 17, 18, 19, 20। तो ये लगभग 3-4 दिन का मित्रों खेला है, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा। अब आते हैं मित्रों हम लोग यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब तक में रिलीज़ हो जाएगा। देखिए साफ बात है कि जब किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम होता, जैसे मान लीजिए यूपी बोर्ड का आपका एग्ज़ाम हुआ, राइट मित्रों, जब यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो सवाल यह है कि रिजल्ट कब तक में रिलीज़ हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों जब किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है ना, तो रिजल्ट को रिलीज़ करने में लगभग 2 महीने का समय लगता है। अब इन 2 महीने में होते क्या है, 2 महीने में जैसे आपके कापियाँ जाँचने का बायोडाटा लिया जाता है, जब कापियाँ जंच जाएंगी मित्रों, कापियों के बाद आपका मूल्यांकन किया जाता है, कितने बच्चे कितने पास हुए हैं, कितने गेस से पास हुए हैं, कितने बच्चे कंफ्यूज हैं, उन्हें कैसे पास किया जाए, तो ये सब मित्रों रहता है। और लगभग कि इस समय जो हमें मित्रों न्यूज़ मिली है, ऐसा कहा जा रहा है यूपी बोर्ड में लगभग कि लगभग सभी ज़िलों में 60 से 70% कापियाँ जाँची जा चुकी हैं। तो मित्रों अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 1 महीना बीत चुका है आपका बोर्ड एग्जाम भी, तो इतने कापियाँ जा चुकी हैं, लगभग मई 15 मई के आसपास में यह संभावना जताई जा रही है कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट आपका रिलीज़ हो जाएगा। अगर मित्रों चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।